मंदिर जो है बहुत प्राचीन, कब बना है ये हमें पता नहीं है, पर हमारे पूर्वजी दादा परदादाओं से यहाँ पूजा करते आ रहे हैं, और हमारे बड़े पिताजी रत्तीराम बाबा के साथ में मैं भी उनके पीछे पीछे इधर मंदिर में आते आते मेरा भाव भी श्रद्धा भाव यहाँ पूजा करने के लिए मन में बसा, और अभी तक मैं पूजा करते करते आ रहा हूँ। 2017 में बागेश्वर धाम के पीठाधीश श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जब रामनगर कांकेर के मंदिर में आए थे, तो मैं उनसे मिलने गया था। मुझे कहीं से पता चला था मित्र के माध्यम से कि वहाँ आए हैं, तो मैं मित्र के साथ वहाँ गया और जब उनको बताया कि मैं देवरी बालाजी का निवासी हूँ, तो वो खुद अंतर मन से बताया कि आपके देवरी बालाजी में एक शक्तिशाली प्राचीन मूर्ति है करके बोले। लेकिन मैं उनको बात को खंडन किया कि महाराज जी, मेरे देवरी में तो ऐसा कोई मूर्ति नहीं है, कोई मंदिर नहीं है। लेकिन वो बोले एक विशाल पेड़ के नीचे है उनका मंदिर करके। तो मुझे उस समय तो पता नहीं था, लेकिन उनके बताने के कुछ ही महीनों बाद मुझे मंदिर दिखा। तो उसके बाद से हम पूजा पाठ चालू कर लिए, लेकिन उसके बाद भी हम कभी कभार ही आते थे। लेकिन अभी जब से रायपुर आए थे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी, उनके बाद से फिर हमारे मन में श्रद्धा भाव ज़्यादा जागृत हो गया। उसके बाद हम 2 महीना से लगातार हर मंगलवार और शनिवार को आते जा रहे हैं, और जो भी भक्त यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं उनकी मनोकामना शीघ्र ही पूरा करती है। ऐसे नहीं, कोई लेट नहीं है, कोई विलम्ब नहीं होता, हर 1-2 मंगलवार में ही यहाँ दर्शन करने से उनकी मनोकामना मनोकामना पूरी हुई है। क्या मन्नत मांगी थी आपने? मैंने खुद कुछ मेरा काम था जो रुका हुआ था, मतलब कई महीनों से रुका हुआ था ऐसा काम, तो मैं यहाँ 2 ही मंगल माथा टेका और वो काम खुद से ही हो गया। मैं अचंभम पड़ गया कि इतना रुका हुआ काम कैसे हो गया करके। मैं बालाजी का नाम लिया, हनुमान जी का, कि आपकी कृपा है महाराज जी की, ऐसा आपके दर्शन किया और ऐसा हुआ। तो और मेरा ही नहीं, मेरे यहाँ जितने भी मित्र बंधु आ रहे हैं, जो सबका मनोकामना पूर्ण होते जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि वाकई में अद्भुत और शक्तिशाली मूर्ति है ये।